हे गाइस वेलकम, आप देख रहे हो ड्रॉप आउट इंजीनियर, मैं हूँ आकाश। तो गाइस आज का वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है। तो यार आज का जो भी वीडियो होने वाला है ना, जो वीडियो के सामने आपको दिख रहा है, जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, उसके ऊपर ज़्यादा आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान सबसे ज़्यादा होना चाहिए मेरे बोलने के ऊपर, मेरे जो आवाज़ है उसके ऊपर आपका सबसे बड़ा ध्यान होना चाहिए। तो अगर आप हेडफोन यूज़ कर सकते हो, ईयरफोन्स यूज़ कर सकते हो, यार प्लीज़ रिकमेंडेशन, आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए। बिकॉज बिलीव मी यार, मुझे पता है कि ट्रेडिंग मोटिवेशन के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया, बट बिलीव मी पूरा का पूरा जो है पूरे लाइफ के लिए भी बहुत ही लागू होता है सभी चीज़ें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अभी देखो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ओलिव के ऊपर ट्रेड करते हैं, बिनोमो के ऊपर ट्रेड करते हैं, आईक्यू ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन, ऐसे बहुत सारे जो नए नए ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आप जो ट्रेडिंग करते हो, राइट। तो गाइस जब मैंने भी इस सब चीज़ों को स्टार्ट किया था, मैंने भी जब ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था, तो मेरी एक कहानी बताता हूँ यार, आपको इतना मोटिवेट फील हो जाएगा ना यार, मतलब आप सीरियसली आपको मतलब इस चीज़ सुननी चाहिए। और यार मतलब आपके लाइफ में या फिर आपके ट्रेडिंग के करियर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और कहीं ना कहीं आप मेरे से कनेक्ट कर जाओगे यार। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो गाइस 100-150 साल पहले मैंने आईक्यू ऑप्शन के बारे में सुना था। उस वक्त ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे, आईक्यू ऑप्शन बहुत ज़्यादा फेमस था, तो मैंने आईक्यू ऑप्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, और मैंने तभी जो मेरा यूट्यूब चैनल भी था, बट स्टार्टिंग के दौर में था, मतलब मेरे पास ज़्यादा अर्निंग नहीं होती थी मेरी, तो मेरा कुछ अर्निंग का सोर्स नहीं था, ठीक है। तो मैं कॉलेज जाता था, इंजीनियरिंग चालू थी, वैसे वो बात अलग है कि मेरे बैक टू बैक लग रहे थे, सब्जेक्ट नहीं निकल रहे थे, तो यहाँ पर मुझे कुछ अलग चाहिए था, मुझे कुछ करियर करना था किसी चीज़ में। तो यार ट्रेडिंग मुझे बहुत ही आसान लगा था, मैंने वीडियोस देखे, यार लोग आराम से कर रहे हैं, यार $10 से $1,000 कर रहे, 1,000 से 12,000 कर रहे, 15,000 कर रहे, लाखों कमा रहे। यार मैं बोला यार इतना भी नहीं चाहिए हमें यार, मेरे इतने बड़े बड़े सपने नहीं यार, मुझे अगर महीने के अगर 30-40-50 भी मिल जाए ना यार, मतलब मेरी ज़िंदगी बन जाए, या फिर हमें पार्ट टाइम भी अगर मेरे 400-500 दिन के बन गया ना, फिर भी बहुत ज़्यादा यार। और कहीं ना कहीं हम लोग वही सोच लेकर आते हैं, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर है, स्टूडेंट होते या फिर जॉब करते, तो उनके मन में स्टार्टिंग में जब वो लोग आते हैं उनके मन में यही होता है कि यार एटलीस्ट पार्ट टाइम के 300-400 रुपये निकल जाए, या फिर 1-2 हज़ार रुपये निकल जाए, या फिर मेरी जॉब के साथ कुछ ना कुछ ऐड हो जाए, या फिर कोई कोई लोग सोचते हैं जॉब जैसा ही हो जाए, करियर बन जाए, उसका मैं लैपटॉप लूँगा, घर में बैठूँगा, या सब चीज़ें। तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था। तो जब मैंने आईक्यू ऑप्शन के बारे में सुना, मैंने वीडियोस देखी, स्ट्रैटेजीज देखी, तो मैंने डिपॉजिट का वीडियो देखा। मैंने डिपॉजिट का मिनिमम अमाउंट था तब कुछ था $10, यानी कि $700 के आसपास $10 का मिनिमम अमाउंट था डिपॉजिट करने का। तो मेरे पास कार्ड नहीं था, तो मेरे दोस्त के पास था, तो मैंने उसे कैश दिया और उसको मैंने कहा कि यार तेरे कार्ड जो चलता है तेरा वीज़ा का था, तो उसने जो डिपॉजिट करके मेरे अकाउंट में दे दिया, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, घर गया भाई, सभी वीडियोस देखी, छान छान के जितने भी आईक्यू ऑप्शन के वीडियोस थी ना यूट्यूब पे, सभी छान मारी, सभी स्ट्रैटेजीज जो मुझे पसंद आ रही थी सब लिख के ली। बिलीव मी अगर मेरे पास अगर मिली ना मेरे पास वो डायरी, बहुत पुरानी है मुझे पता नहीं, बट अगर मिली ना मैं आपको वीडियो के सामने जो फोटो डाल दूंगा। तो मैंने उस स्ट्रैटेजी को लिखा, इतने मस्त लिखा है, SMA, ये वो, इंडिकेटर्स, एलिगेटर्स, सब चीज़ें लिखी, मेरे को नहीं पता था सब चीज़ें के बारे में, फिर भी मैंने सब चीज़ें लिख के ली, उसका अमाउंट लिख के लिया, टाइमिंग लिख के लिया, कैंडल्स का टाइमिंग, ये टाइमिंग, वो टाइमिंग, करेंसीज। और उसके बाद ना यार मैं बोला यार 1-2 घंटा मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखी, मैं बोला घाई नहीं करना है अपने को, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, मैं बोला धीरे धीरे हम लोग कमाएंगे, हमारी अर्निंग बढ़ाएंगे भाई, बेस्ट हो सकता है अपने को, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं दूसरा। और तो फिर मैंने 1-2 घंटा पढ़ा सीखा, और मैं बोलूँगा यार मैंने बोला कि यार अभी डिसिप्लिन से करेंगे, ठीक है, मेरे पास $10 है तो अभी धीरे धीरे अमाउंट ट्रेडिंग करेंगे और अमाउंट बढ़ाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, उसके बाद वो जो मेरी डायरी थी मैंने साइड में रखी और उसे ओपन किया और स्ट्रैटेजी को खोला, और उसके बाद मैंने जो एक ट्रेड लेना शुरुआत की। मैंने कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ की और ट्रेड लिया, ठीक है। और बिलीव मी गाइस, अब मैंने फर्स्ट ट्रेड जो जीत लिया $10 के कुछ पौने, $10 या फिर $11 हो चुके थे, मुझे इतना याद नहीं, पर कुछ आसपास उतना ही अमाउंट था $11 के आसपास। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ यार, मैंने बोला यार 1 मिनट के अंदर हमने जो है ₹70 कमा लिया यार, ऐसे अगर हो गया ना यार, मतलब मैं दिन में जो है 300-400-500 रुपये भी मैंने कमा लिया ना, बहुत बेस्ट हो जाएगा यार मोबाइल के बैठ के बैठ के। तो मैंने और ट्रेड लिया, फॉलो किया स्ट्रैटेजी को, फेल, दूसरा जो है लॉस कर गया, डायरेक्ट जो अपना अमाउंट है पूरा का पूरा कट जाता है, ठीक है, $10, दूसरा भी हार गया $2, ठीक है। और उसके बाद दो हार गया मैं, उसके बाद मैंने बैक टू बैक 3-4 और लॉसेस किए, और मेरा अमाउंट हो चुका था $5 का, ठीक है।
और मैं अभी सोच ही रहा था यार, नहीं अभी बस हो गया, हम लोग बस करेंगे अभी, 1 घंटा में ट्रेड कर लिया यार, बहुत पैसे चले जा चुके हैं, हम लोग अभी कल करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग कल और स्ट्रैटेजी के वीडियोज़ देखेंगे। बट मेरा नहीं यार, मेरा दिमाग में नहीं था, मेरा दिमाग में ये था कि हम लोग चलो चलो कोई नहीं, हम लोग प्रॉफिट तो नहीं करेंगे, पर एटलीस्ट जो मेरा $10 था उसे तो हम लोग फिर से लाएंगे यार, उस उतना तो हम लोग $10 फिर से करेंगे, मेरा रिकवर करेंगे अमाउंट और फिर छोड़ देंगे हम लोग, बाकी कर लेंगे ठीक है। तो यही होता है हमारे साथ भैया, आप बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे साथ, हमारा यही होता है। तो पहले $10 मेरे पास थे, अभी 5 हो चुके, मैं $5 लॉस कर चुका हूँ, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, रिकवर करते हैं ऐसा बोलते हैं, और रिकवर करने जाते हैं और लॉस करते हैं, और मेरा भी वही हुआ सेम गाइस, मैंने भी लॉस रिकवर करने जा चुका था और 2-3 ट्रेड और हार चुका मैं ठीक है, और $1 के आसपास था अमाउंट, और मैं ट्रेडिंग का जो आईक्यू ऑप्शन था मैंने एप्लीकेशन जो बंद कर दिया ठीक है, आईक्यू ऑप्शन को बंद कर दिया, मैंने सोचा अभी कल करेंगे, फिर से 5-10 मिनट सोचा, वीडियो देखी, बोला नहीं यार कर देते यार, $1 तो बचा यार, क्या यार उसमें होने वाला है, हम लोग कर देते कुछ ना कुछ करेंगे, मैंने बोला यार, फिर सब स्ट्रैटेजी वगैरह गई भाड़ में, मैंने वीडियो को शुरुआत की और मैंने चीज़ें करना शुरू की, और $1 भी जो मेरे पास था वो हार चुका मैं ठीक है। और मेरे पास मैंने 1:30 बजे शुरुआत की थी आसपास कुछ दोपहर के, और 3:30 बजे तक मेरे अकाउंट में $0 थे, मतलब जो $10 मैंने ऐड किए थे फ्रेंड से सुबह, जो शाम तक जो है, मतलब शाम भी नहीं दोपहर तक 2-3 घंटे के अंदर अंदर जो मेरे अकाउंट के अंदर सारे पैसे जो थे 0 हो चुके थे। और सबसे बड़ी पता है गलती मैंने क्या की थी, डिसिप्लिन नहीं रखा था। आपको पता है क्या किया था मैंने, हम लोग सभी लोग यही करते, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट ट्रेड जीता तो मैंने स्ट्रैटेजी के थ्रू जीता था ठीक है, और उसके बाद मैंने 2 हारा स्ट्रैटेजी के थ्रू हारा, स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो कर रहा था, पर उसके बाद मैं जो स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरा भरोसा उड़ गया, थर्ड ट्रेड से लेकर बाकी सभी ट्रेड जो है मैंने मेरे अंधाधुंध मेरे दिमाग से की, बिकॉज अपने मन में हमको लगता है यार क्या है स्ट्रैटेजी, नहीं यार मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था कि अब जाएंगे, पर स्ट्रैटेजी ने बोला डाउन तो मैंने डाउन प्रेस किया, पर मैं हार गया। अभी हम लोग क्या करते हैं यार, ऊपर तो ऊपर नीचे तो नीचे, जल्दी फटाफट से ट्रेड ले लेते हैं और हम लोग पूरा का पूरा अमाउंट हार जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना है गाइस, मुझे पता है आपने बहुत सारे सपने होते, बहुत पैसे कमाने होते, पर जो पैसे जाते हैं ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है गाइस, और बिलीव मी ऐसा लोग बोलते हैं कि इसमें नहीं हो सकता पैसा, पैसा नहीं बन सकता, सभी लोग हार जाते हैं, पर ऐसा कभी भी नहीं होता, बिलीव मी गाइस, बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे, मैंने मेरी भी आपको हिस्ट्री दिखाई है, मेरी भी मेरे ट्रांजेक्शन मैंने आपको दिखाए, बहुत अच्छी अर्निंग आप जो है कर सकते हो। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सभी लोग इसमें जो है पॉजिटिव रिस्पांस दोगे मुझे, जब पैसे लोग कोई हारते हैं, जैसे मैंने भी पैसे हारे थे, उसके बाद मैंने 8-9 महीने तक ना एप्लीकेशन फिर से डाउनलोड किया आईक्यू ऑप्शन का, उसके बाद मैंने डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर दिया आईक्यू ऑप्शन, मुझे लगा ये सब फ्रॉड है, इसमें पैसे लूज होते हैं, उसके बाद ना मैंने 8-9 महीने तक कोई वीडियो देखी आईक्यू ऑप्शन बिनोमो की, कोई भी वीडियो नहीं देखी, और गाइस 8-9 महीने तक मैंने ऐसा ही किया। और ऐसे ही लोग होते हैं जो आपको सलाह देते कि यार ये सब फ्रॉड होता है, ये सब फेक है, मैंने भी इसमें पैसे ऐड किए थे, मुझे भी सब लॉस हुआ है, और आपको ऐसे सलाह देते हैं। अगर मैंने भी ऐसे ही किया होता, अगर मैंने पैसे दोबारा उसके बाद 8-9 महीने के बाद मैंने फिर से अगर बिनोमो ज्वाइन ना किया होता, तो मैं भी ज़िंदगी भर लोगों को यही सलाह दे रहा होता कि यार ये सब फ्रॉड होता है, ये सब फेक होता है, बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बिनोमो को फिर से ज्वाइन किया, मैंने फिर से ट्रेडिंग की, थोड़े अपने खुद के ऊपर डिसिप्लिन रखा, और उसके बाद आज आप सभी लोग देख रहे हो हम लोग कितना अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर है वो भी बहुत सारे लोग जो है प्रॉफिट कर रहे हैं। तो यार ऐसा नहीं होता, आपको बस यही 3-4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में और ट्रेडिंग करियर में, जो कि है डिसिप्लिन, खुद के ऊपर डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर और अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर, और जिसके ऊपर आपको पेशेंस के साथ खड़ा होना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और ये सब 3-4 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप बिलीव मी गाइस लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप हर ट्रेड जीतोगे आप 100% का आपका सक्सेस रेशो होगा, ऐसा नहीं होगा, आप 7 ट्रेड जीतोगे 3 हारोगे, बट यार 70-30 का आपका जो है सक्सेस रेशो होगा, और वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए यार, इतना ही काफ़ी होता है, बिकॉज 100% ऐसी कोई भी चीज़ ट्रेडिंग करियर में नहीं होती है ठीक है, 70% ये बहुत ही बड़ा सक्सेस रेशो होता है। तो चलिए गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहा होगा, आगे जाके आप भी बहुत सारा प्रॉफिट करेंगे और ऐसे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं हमारे साथ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर नहीं किया है तो गाइज़। तो चलिए आज आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए #ड्रॉप आउट इंजीनियर।